नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आप सबका एक बार फिर से टेक्निकल क्लास में। दोस्तों जैसे कि आप सभी को मालूम है कि इस वीडियो में हम आपको स्पेस, डिफेंस और इंटरनेशनल खबरों की जानकारी से अवगत कराते हैं, तो चलिए एक एक करके जान लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहली खबर आ रही है भारतीय नौसेना को लेकर। जी हाँ, संवेदनशील सूचनाएं लीक के आरोप में पाकिस्तान से जुड़े एक रैकेट में नेवी के 7 जवानों की गिरफ्तारी के बाद भारतीय नौसेना की तरफ से आदेश जारी कर जहाज और नौसेना के बेसों पर स्मार्टफोन और सोशल नेटवर्किंग साइट पर रोक लगा दी गई है। एक सीनियर नौसेना के अधिकारी ने कहा कि नौसेना के बेसों और जहाजों पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और अन्य मैसेंजर समेत सभी तरह के सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्मों की कोई इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने बताया कि जहाज और नौसेना बेस पर अब स्मार्टफोन की इजाज़त नहीं है। दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है कि 20 दिसंबर को इंटेलिजेंस एजेंसियों ने पाकिस्तान से जुड़े एक जासूसी रैकेट का भंडाफोड़ किया था और इस मामले में भारतीय नौसेना के 7 कर्मी और एक हवाला संचालक को भी गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों ये भारतीय नेवी के द्वारा उठाया गया सबसे महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि अति संवेदनशील जानकारियां पाकिस्तान तक पहुंच जाती हैं, क्योंकि आज भी हमारे देश में जय चंदों की कमी नहीं है, जिनकी वजह से भारतीय फोर्सेस को सेंध लगती है और ऐसा ही कई उदाहरण हमारे पास आज भी मौजूद है। और इसका एक और उदाहरण है निशांत अग्रवाल, जिसने ब्रह्मोस का डेटा लीक करके पाकिस्तान को पहुंचाने का काम किया था। हालांकि उसको पकड़ लिया गया और वो सिर्फ थोड़ी बहुत ही जानकारी शेयर कर पाया। दूसरे पे अगली खबर भारत और बांग्लादेश को लेकर आ रही है। बीएसएफ के प्रमुख ने कहा कि बॉर्डर गैप्स को प्लग करने और असम नदी के किनारे भारत बांग्लादेश के सामने स्मार्ट फेंसिंग तैनात किए जाने की अब उम्मीद है। सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक यानी कि डीजी वीके जौहरी ने कहा कि इस परियोजना में लगभग 6 महीने की देरी हुई है, क्योंकि इस क्षेत्र में भारी बारिश हुई जिसके परिणाम स्वरूप यहां पर बाढ़ आ गई थी। इससे पहले स्मार्ट फेंसिंग की जो समय सीमा थी वो दिसंबर 2019 थी। बीएसएफ प्रमुख ने बांग्लादेश के बीजी के महानिदेशक मेजर जनरल शफीनुल इस्लाम के साथ एक मीटिंग के दौरान ये बात कही। जौहरी ने कहा कि ये कार्य अपना एक्सिक्यूशन चरणों में चल रहा है और जुलाई 2020 तक पूरा हो जाएगा। बीएसएफ असम में ब्रह्मपुत्र नदी के पार धुबरी में लगभग 55 किलोमीटर लंबे मार्ग पर तकनीकी निगरानी और अलार्म गजट द्वारा संचालित स्मार्ट फेंसिंग तैनात करने के लिए भी काम कर रहा है। दोस्तों आपको बता दें कि बीएसएफ को बांग्लादेश के साथ 4096 किलोमीटर लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा यानी कि इंटरनेशनल बॉर्डर की सुरक्षा के लिए प्राथमिक बल के रूप में जाना जाता है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर भारतीय सेना को लेकर आ रही है। जी हाँ, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS के नाम का ऐलान कर दिया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि वर्तमान सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बनाए गए हैं। हालांकि अभी इसके आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। बिपिन रावत सरकार के सबसे बड़े सैन्य सलाहकार होंगे। CDS को 31 दिसंबर को पदभार संभालना है। 31 दिसंबर को ही जनरल बिपिन रावत सेना प्रमुख के पद से रिटायर होने वाले हैं। इसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने सेना प्रमुख का पद संभालेंगे। बता दें कि सरकार ने 24 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर CDS बनाने की घोषणा की थी। CDS 4 स्टार जनरल होगा और वह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले नए विभाग डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी के तौर पर काम करेगा और सरकार को सैन्य मामलों पर सलाह देगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि CDS सीधे तौर से थल सेना, वायुसेना और नौसेना के कमांड और यूनिट्स को कंट्रोल नहीं करेगा, लेकिन उनके अंतर्गत सेना के तीनों अंगों के साझा कमांड और डिवीजन होंगे। भारत का पहला तीनों सेनाओं का अध्यक्ष यानी कि CDS रक्षा मंत्रालय के तहत डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का मुखिया होगा। CDS रक्षा मंत्री से रक्षा मामलों से जुड़े मसलों पर सीधा संपर्क कर सकेगा और उन्हें राय दे सकेगा। तीनों सेनाओं की सारी सम्मिलित कमांड यानी कि ट्राई सर्विस कमांड अब CDS के अधीन होंगी। इससे तीनों सेनाओं के बीच तालमेल के साथ साथ रक्षा बजट का उचित इस्तेमाल हो सकेगा। तीनों सेनाओं के ऑफिसरों का ट्रेनिंग स्कूल यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी कि CDS की कमान में होगा। इसके अलावा आर्म फोर्सेस मेडिकल सर्विसेज, इंजीनियरिंग सर्विस एंड नेशनल डिफेंस कॉलेज भी CDS की कमान में होगा। सैन्य संचार के लिए जिम्मेदार सिग्नल ऑफिसर इंचार्ज भी CDS को रिपोर्ट करेगा। तीनों सेनाओं को साझा कमान स्पेशल ऑपरेशन डिवीजन, डिफेंस साइबर एजेंसी और डिफेंस स्पेस एजेंसी भी CDS को रिपोर्ट करेंगी। दोस्तों पे अगली खबर पाकिस्तान को लेकर आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि पाकिस्तान ने अपने पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान JF-17 को शुक्रवार को सार्वजनिक किया। चीन के सहयोग से बन रहा यह विमान 2 सीटों वाला है यानी कि ट्विन सीटर है। पाकिस्तानी वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने कहा कि इस विमान को रिकॉर्ड 5 महीने में तैयार किया गया है और ये जल्द ही पाकिस्तानी वायुसेना में शामिल होकर उसका मेन लड़ाकू विमान बनेगा। इसकी पहली खेप में 8 2 सीटों वाले JF-17 लड़ाकू विमान बनाए गए हैं।
पाकिस्तान एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स और चाइना नेशनल एरो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन मिलकर इस विमान का निर्माण कर रहे हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इस विमान को सार्वजनिक करने के लिए पाकिस्तान ने इस्लामाबाद के निकट कमारा स्थित एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री में भव्य समारोह को आयोजित किया। इस समारोह में पाकिस्तानी वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल खान, चीन के राजदूत याओ जिंग और चीन के विमानन उद्योग के कार्यकारी उपाध्यक्ष भी शामिल थे। चीनी राजदूत ने कहा कि JF-17 विमान दोनों देश की दोस्ती और आपसी सहयोग का उदाहरण है। दोस्तों यहाँ पे अगली खबर ईरान अफगानिस्तान रेल लिंक को लेकर आ रही है। ईरान के अधिकारियों ने दावा किया है कि ईरान को अफगानिस्तान से जोड़ने वाली भारत समर्थित रेलवे परियोजना अगले 100 दिनों में तैयार हो जाएगी और इसका निर्माण कार्य जोरों पर है, जो कि पूरा होने वाला है। ईरान के परिवहन मंत्री अब्बास खितिबी ने कहा कि ईरान पूर्वी अफगानिस्तान के हेरात शहर को जोड़ने वाली लाइन के विकास के लिए अफगानिस्तान को अपने रेलवे के साथ जोड़ देगा। ईरान के परिवहन मंत्री खितिबी ने कहा कि 191 किलोमीटर रेलवे का बड़ा हिस्सा मार्च या अप्रैल 2020 में पूरा हो जाएगा, जिससे दोनों पड़ोसी देशों को रेल परिवहन शुरू करने की अनुमति मिल जाएगी। ईरान ने खफ हेरात रेलवे के अपने हिस्से को लगभग समाप्त कर दिया है, जो दोनों देशों की सीमा के बीच तीन खंडों में 139 किलोमीटर चलती है। अफगान की मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया है कि काबुल एक इटली के ठेकेदारों के साथ साझेदारी में काम करके अंतिम चरण को पूरा करेगा। ईरान अफगानिस्तान रेलवे की तरह ईरान और अफगानिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने की उम्मीद है। एक ऐसा देश जिसकी कोई सक्रिय रेलवे प्रणाली नहीं है, अफगानिस्तान में सुरक्षा की कमी रेलवे की उपलब्धि के लिए एक बड़ी बाधा रही है। इस साल की शुरुआत में परियोजना के अफगान हिस्से में हुए एक विस्फोट में एक ईरानी इंजीनियर की मौत हो गई थी और उसका सहयोगी घायल हो गया था। अफगानिस्तान को ईरानी रेल नेटवर्क के विकास से बड़े पैमाने पर लाभ की उम्मीद है, विशेष रूप से अफगान सीमा के पास ओमान के सागर से जहादान के बंदरगाह शहर चाबहार को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण कड़ी के माध्यम से। बड़े पैमाने पर परियोजना, जो कि संयुक्त रूप से ईरान और भारत द्वारा बनाई गई है, उसका उद्देश्य हिंद महासागर से ईरान के माध्यम से अफगानिस्तान को आगे उत्तर और मध्य एशियाई देशों तक व्यापार की सुविधा प्रदान कराना है। दूसरे पे अगली खबर स्पेस को लेकर आ रही है। अगले साल मंगल ग्रह पर जाने वाला रोवर न सिर्फ प्राचीन जीविका के सुराग खोजेगा बल्कि भावी मानवीय मिशनों का मार्ग भी प्रशस्त करेगा। नासा वैज्ञानिकों ने रोवर का अनावरण करते हुए शुक्रवार को ये बात कही है। इस रोवर को लॉस एंजलिस के पास पासोडोना में जेट प्रोपल्शन लेबोरेटरी के विशाल कक्ष में तैयार किया जा रहा है, जहां इसके चालक उपकरण का पिछले हफ्ते सफल परीक्षण किया गया था। यह रोवर फ्लोरिडा के केप कैनिवाल से जुलाई 2020 से पृथ्वी से रवाना होगा। इसी के साथ यह मंगल ग्रह पर उतरने वाला पांचवा अमेरिकी रोवर बन जाएगा। मिशन के प्रमुख मैट वेलिस ने कहा कि इसे जीवन के चिन्हों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है, इसीलिए हम इसके साथ विभिन्न उपकरण भेज रहे हैं, जो मंगल की सतह पर भौगोलिक एवं रासायनिक संदर्भों को समझने में मदद मिलेगा। रोवर में लगे उपकरणों में 23 कैमरे हैं और 2 सुनने वाले यंत्र लगाए गए हैं, जो मंगल की हवाओं को सुनेंगे और रासायनिक विश्लेषणों के लिए लेजर का काम करेंगे। तो दोस्तों ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न या आपका कोई जवाब या आपका कोई सवाल है, आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स पर लिखकर पूछ सकते हैं। साथ ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। टेक्निकलिस्ट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और हमारे वीडियोस की लेटेस्ट जानकारी पाएं।